पीथमपुर थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चढ़ार ने बताया कि प्रशिक्षु डीएसपी अंकिता सुलिया, प्रशिक्षु डीएसपी कुंदन मंडलोई और स्टाफ के कर्मचारियों ने मिलकर मुखबिर की सूचना पर आज दोपहर में इंदौर ले जाए जा रहे शराब को पकड़ा। प्रभारी चंद्रभान सिंह चढ़ार ने बताया कि हमारी एक टीम बनी, घेराबंदी करी, जिसमें स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जिसमें 16 पेटी शराब विदेशी रखी हुई थी, जिसमें 9 पेटी रॉयल स्टैग, 5 पेटी रॉयल चैलेंजर, 2 पेटी ब्लेंडर की रखी हुई थी, जिसमें आरोपी अनिल पिता स्वर्गीय बासु वासुदेव निवासी सिंधी कॉलोनी इंदौर इंडोरामा शराब दुकान से भरकर इंदौर अपने निवास स्थान ले जा रहा था, जहां हमने गुड लक चौराहे पर चेकिंग पॉइंट पर घेराबंदी करके पकड़ा है। इस शराब की कीमत 1,70,000 रुपये है। आरोपी पर धारा 188 और आबकारी एक्ट की धाराओं में भी प्रकरण दर्ज किया है। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। ये क्या है कि पीथमपुर धार जिले में शराब के लाइसेंसी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इसके कारण आसपास के लोग भी यहाँ से शराब ले जाके अवैध रूप से ले जाके और इसकी सूचना मिली थी। तो आज शाम को गुडलक चौराहे पे, जिसमें प्रोबेशनर थाना प्रभारी जो है अंकिता सुलिया मैडम और मंडलोई साहब प्रोबेशनर डीएसपी हैं, उनके द्वारा और हमारे स्टाफ के द्वारा एक वाहन की सूचना पर लगभग 16 पेटी अवैध शराब महंगी ब्रांडेड जब्त की है, जिसकी कीमत 1,90,000 लगभग है, और इसमें सफलता अर्जित की है और इसके सोर्स का पता किया जा रहा है अभी विवेचना में कि कहां से आई है। इस व्यक्ति से शराब पकड़े सर, कौन है इसकी जानकारी? ये अनिल शर्मा नाम का व्यक्ति है और इंदौर का रहने वाला है, सिंधी कॉलोनी का, और ये अपनी वाहन में जो है डिजायर है इसमें ले जा रहा था शराब। सर करीब कितने लाख रुपए की सर्वेक्षण? ये लगभग 2 लाख रुपए की, 1,90,000 लगभग की शराब। सर कहाँ से खा जा रही थी अभी शराब? ये शराब अभी तो प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पता चली है कि जो है इंडोरामा से और इंदौर ले जा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।